राजस्थान का कोटा शहर यूं तो छोटा सा ही एक शहर है, लेकिन इसकी कई खूबियां हैं जो इसे और शहरों से जुदा बनाती हैं। चंबल किनारे बसा कोटा अपनी सांस्कृतिक विरासत की वजहों से भी जाना जाता है, जिसमें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेला भी शामिल है। यह एक ऐसा मेला है जब कोटा शहर एक लघु भारत का रूप ले लेता है। कई और वजह भी हैं जो इस मेले को बेहद ही खास बनाती हैं। अगर कोटा दशहरे मेले के अतीत पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि साल 1892 में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने कोटा रियासत में 3 दिन के दशहरा मेले की नींव रखी थी। बाद में इस मेले की अवधि बढ़ाकर 7 दिन कर दी गई। साल 1921 में दशहरा मेले की जिम्मेदारी कोटा नगर पालिका को सौंप दी गई, जिसके बाद ये मेला 7 दिनों से बढ़कर 27 दिनों का हो गया। साल दर साल इस दशहरा मेले की भव्यता बढ़ती गई। पूरे भारतवर्ष से लाखों लोग कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में आने लगे। शहरी ग्रामीण संस्कृति का परिचायक कोटा दशहरा मेला धीरे धीरे राजस्थान की पहचान बनने लगा। रावण दहन से ठीक पहले कोटा की शान गढ़ पैलेस में दरी खाना रस्म निभाई जाती है। इसके लिए गढ़ पैलेस को पूरी तरह से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो गढ़ पैलेस ने भी शाही वेशभूषा पहन ली हो। यहाँ विदेशी पावनों की महफिल सजी थी। सफेद वेशभूषा और रंग बिरंगी पगड़ी पहनना दरी खाना रस्म की दरकार होती है। दरी खाना रस्म के दौरान लोकसभा अध्यक्ष यहाँ कुछ देर बैठे और राज परिवार के सदस्यों से उनकी कुशलता भी पूछी। कोटा दशहरे मेले का रोमांच इतना कि जिसे जहाँ जगह मिल रही थी वहीं थम गया। इतना जन सैलाब कि मानो दशहरा मैदान में पूरा भारत समा गया हो। लोकसभा अध्यक्ष भी इस मेले में एक मंच पर बैठे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। मैं आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा आध्यात्मिक और धर्म, हमेशा ये पर्व उत्सव हमें प्रेरणा और संकल्प देते हैं। और ये रावण दहन भी आज हमें नई प्रेरणा देता है, संकल्प देता है कि हम सब लोग बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों पर काम करें, अवगुण को छोड़कर सद्गुण करें और अनाचार हत्याचार छोड़कर सदाचार की ओर बढ़े। ये रावण दहन का पुतला आज असत्य पर सत्य की जीत है। जिस तरीके से अहंकार का वध हुआ, जिस तरीके से पाप का विनाश हुआ, उसी तरीके से हमारी संस्कृति और संस्कारों के अंदर भी हम सब सत्य के मार्ग पर चले, ये हमें प्रेरणा इस पर्व के माध्यम से मिलती है। मैं आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, भगवान राम के दर्शन के माध्यम से किस तरीके से एक मनुष्य आदर्श जीवन जी सकता है, ये भगवान राम के दर्शन समय मिलता है। और रावण दहन से किस तरीके से अहंकार और असत्य समाप्त होता है, ये रावण दहन समय मिलता है। रावण दहन का ये विशाल आयोजन कोटा दशहरे मेले का बस एक आगाज भर है। मेला तो यहाँ से और परवान चढ़ता है।